बीजेपी ये कहता है साला कि 500 रुपया लेती है, 500 रुपया आजकल का बच्चा पिसाब। बीजेपी अपनी माँ बहन को यहाँ लाए, मैं रोज का 500 रुपया क्या, रोज का 5000 देती हूँ। बीजेपी नरेंद्र मोदी जी से यही चाहते हैं कि सीए एनआरसी और एनपीआर, वरना हमारे अंदर जो खून खोल रहे हैं वो सोचिएगा, इन हाथों से सब्जियाँ काटी जाती है तो इंसान का गला नहीं काट सकते हैं, इन हाथों से गला भी काटे जाती है। इसलिए मानव श्रृंखला निकाले थे और इसलिए एनआरसी और सीए के धरने पे बैठे हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी से यही चाहते हैं कि सीए एनआरसी और एनपीआर वापस लीजिए। अगर ये वापस लेते हैं तो आपकी ही अच्छाई होगी इसमें, वरना हमारे अंदर जो खून खोल रहे हैं वो हम अभी तो सिर्फ स्पीच दे के निकाल रहे हैं, बाद में क्या क्या करेंगे कुछ नहीं उनको पता है। हम भले से यहाँ बैठ रहे इतने दिनों से भूखे प्यासे, जैसे हमारी घर की औरतें निकल के आ रही हैं, ये मत सोचिएगा इन हाथों से सब्जियां काटी जाती है तो इंसान का गला नहीं काट सकते हैं, इन हाथों से गला भी काटे जाती है। अगर मोदी जी अगर नहीं लेते हैं एनआरसी और सीए और एनपीआर वापस तो सोचिए उनका क्या होगा। हम अगर जानते हैं कि उनको तख्त पे बैठा सकते हैं तो ये भी जानते हैं कि उनको तख्त से नीचे गिरा भी सकते हैं। इतनी ताकत सिवान की औरतें रखती हैं, इतनी ताकत मैं नाहिदा शेद्दे की खुद रखती हूँ, मैं लोगों के लिए नहीं। आप लोग 500 रुपए लेके ठीक है, बीजेपी अपनी माँ बहन को यहाँ लाए, मैं रोज का 500 रुपया क्या, रोज का 5000 देती हूँ। बीजेपी अपनी माँ बहन को यहाँ घंटे का 5000 दूंगी, मैं खुद ताकत रखती हूँ इतना। बीजेपी ये कहता है साला कि 500 रुपया लेती है, 500 रुपया आजकल का बच्चा पेशाब करके धावा दे रहा है, 500 रुपया दिन का लेंगे हम, 500 रुपया तो साला एक कुत्ता को रोटी भी तो वो भी भूखा मर जाएगा 500 रुपये में, और 500 रुपये लेके हम धरना पे बैठेंगे। हम अपनी आजादी के लिए धरना पे बैठे हैं, लोगों के लिए नहीं, 500 रुपये के लिए नहीं। 500 शाहीन बाग में बोल रहा है कि 500 रुपये लेके बैठी हो, माँ बहने इतनी नंगी नहीं है 500 रुपये के लिए अपना जिस्म दिखाए, 500 के लिए अपना बॉडी दिखाए, इतनी खराब नहीं है सिवान की औरतें और दिल्ली जामिया की औरतें, शाहीन बाग समझ कर रखा है। शाहीन बाग में जैसे धरना चल रहा है ना, यहाँ भी चलाऊंगी और यहाँ भी हम धरना करेंगे जितने दिन तक हो सके। बेटा आगे बढ़ा रहा है ना, बढ़ाओ, कितने दिन तक डेटा आगे बढ़ाओगे, जितने दिन तक बढ़ाओ उतने दिन तक बैठेंगे। हम कमजोर नहीं है और ना किसी को होने देंगे, अभी भी ताकत बाकी है, अभी भी हिम्मत बाकी है। योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि जो आजादी का नारा लगाए उसे देशद्रोही का केस चलेगा। करा दो केस, कितने केस कराओगे, कितने लोग पे कराओगे, कितने लोग पे कराओगे। हमारी आबादी इतनी है कि केस वाली लिस्ट भी बेकार हो जाएगी, पेपर नहीं बचेगा केस लिखने के लिए। ये एक हाथ का नारा नहीं है, लाखों करोड़ों हाथों का नारा है। कितने हाथों पे सवाल उठाओगे, कितने हाथों पे केस लिखोगे, लिखो जितना लिखा है, लिखना है, हमें फर्क नहीं।